एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जहाँ पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती थी, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपके इस चैप्टर के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में जब आपका पेपर आएगा तो उसके अंदर इसमें से, इन दोनों टॉपिक में से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या तो आपको बोलते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होगी, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करते हैं, या फिर ये वाला टॉपिक होता है जहाँ पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, उसके बेस पर आप जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट्स में चेंजेस करते हो, उनके कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करते हो। तो इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। 80 इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 6:5:3। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, 6:5:3 में शेयर करते हैं। आगे आपको बैलेंस शीट गिवन है, आगे कहते हैं दे अग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिवन हिम 1/8 शेयर। डी लिया है पार्टनरशिप में और उसको 1/8 शेयर दे रहे हैं। और फॉलोइंग टर्म्स उनके बीच में सेटल हुई हैं, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, ओल्ड कस्टमर है जिसको आपने बैड डेट्स क्या डिक्लेयर कर दिया था, अब वो आपको 2,000 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है, प्रोविज़न बोल रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बता रखा है, डी शुड ब्रिंग इन 14,700 एज इज कैपिटल, कैपिटल भी गिवन है और गुडविल भी गिवन है। नेक्स्ट में लास्ट में कहते हैं दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस। अब आपने क्या करना है, लास्ट में जो हमारा मेन टॉपिक है, पहले वाला हमने ऑलरेडी कर चुका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें आते हैं, कैपिटल अकाउंट हमें बनाने आते हैं। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, जब लास्ट में आपके पास कैपिटल्स आ जाएंगी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, उस कैपिटल को एडजस्ट करना है किसके बेसिस पर, डी की कैपिटल के बेसिस पर। वो हम देखेंगे हम किस तरह से करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आपने जर्नल एंट्रीज करनी है और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए भी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा। एंड कैपिटल अकाउंट तो आपको बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले कहते हैं कि फर्नीचर को आपने डेप्रिशिएट करना है। तो जब आप डेप्रिशिएट करते हो तो कहाँ दिखाते हो, टू फर्नीचर। क्या कह रहे हैं, फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2920। बाय है तो डायरेक्ट 2920 से हम इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट आपने बैड प्रूफ कर दिया था, अब वो कहता है कि हम 2000 रुपीज पे कर दूंगा, तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो बाय डेटर्स कितने से इंक्रीज होंगे, 2000 से। नेक्स्ट है प्रोविजन बनाना है 1320 का, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स के लिए। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रोविजन कितने का बनाना है, 1320 का। तो हमने प्रोविजन बना दिया दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग अप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 56910। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 45150 है। अब वो आपको कहते हैं कि आपने उसकी वैल्यू कहाँ तक लेकर आनी है, 56910 तक। 56910 तो हम देखते हैं कितना अप्रिशिएट करना पड़ेगा, 11,760 से आप इसको इंक्रीज कर दोगे तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई कितने से, 11,760 से। ठीक है, तो ये तो हमारी एंट्रीज हो गई सारी किसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। उसके बाद हमको कैपिटल गिवन थी, तो हम इसका क्या कर लेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है वो निकालेंगे। हमारा इधर टोटल आया 13,760, उसमें से हमने लेस कितने करने हैं, 13,760 में से 0,4240, 9,520 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 9,520 आपका प्रॉफिट है, कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशो में, 6:5।
5:3 में, तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, आपका जो शेयर आ जाएगा वो आएगा 9520 का 6/14, फिर 5/14 एंड 3/14, इसको हम कट करते हैं, 14 6 का, इसके अंदर आपका शेयर आएगा 4080 3400 एंड 2040. तो ये आपका शेयर आ गया तीनों पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट का. इसके बाद हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट्स. तो कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे. चार पार्टनर्स हैं अब आपके पास, बी सी बी ए. हम स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी. हम स्टार्ट करते हैं हमेशा कैपिटल से, तो स्टार्ट कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी. हमारे पास गिवन है इनकी कैपिटल्स बैलेंस शीट में 35,400, देन है 29,850 एंड थर्ड की है 14,550. उसके बाद हमको नए पार्टनर की कैपिटल भी बता रखी है वो कितनी लेकर आएगा, तो हम वो उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट. वो लेकर आ रहा है 14,700. ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस शीट चेक करते हैं. बैलेंस शीट में आपके पास यहाँ पर डिवाइड करने को लायबिलिटीज में गिवन है जनरल रिजर्व, तो हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे. जनरल रिजर्व है आपका यहाँ पर 10,500 का, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेयर कितना आ जाएगा 4500 3750 एंड 2250. आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा. और एसेट्स वाली साइड आपको गिवन है गुडविल. वो जो गुडविल होती है वो हमारी कौन सी गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर वाली, ओल्ड गुडविल, जिसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं. तो वो गुडविल है आपकी क्वेश्चन में गिवन, वो हम करेंगे. आपके पास है 5250, उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा शेयर आएगा 2250 1875 एंड 1125. हमारे पास गुडविल भी हमने डिवाइड कर दी, बैलेंस शीट देख ली न्यू पार्टनर की, हमने कैपिटल दिखा दी, अब रह गया प्रीमियम फॉर गुडविल. तो प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. 14,070 लेकर आया था, उसको कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, सेक्रीफाइसिंग में. और जब हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है न्यू पार्टनर का शेयर एंड ओल्ड रेशो, तो आपकी ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होती है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को. आपका शेयर आ जाएगा 6030, देन 3400 एंड 2040. तो हमने गुडविल भी डिवाइड कर दी, हमारा प्रॉफिट रहता है रिवैल्यूएशन का, वो ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 4080 3400 एंड 2040. ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया, हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे. तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस निकालेंगे, उसका डी का तो उतना ही आएगा जितनी वो लेकर आया था कैपिटल, बाकी पार्टनर्स की निकालेंगे. हमारे पास बैलेंसेस बच रहे हैं यहाँ पर 4760, देन 4150, देन 2730. ये हमारे क्या हो गए, बैलेंसेस निकल गए. ठीक है, इनका टोटल हो जाएगा. अब हमारा मेन टॉपिक आता है जहां पर हमने क्या करना है, इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर. हमें पता है डी आया 1/8 शेयर के लिए और कैपिटल कितनी लेकर आया 14,700. ठीक है, जैसे हमने लास्ट में किया था, लास्ट वाले क्वेश्चंस में, कि हमने पूरी फॉर्म की गुडविल निकाली थी, अब भी हम सेम वही करेंगे. 1/8 शेयर के लिए अगर वो कैपिटल लेकर आता है 14,700, तो फुल शेयर के लिए कितनी हो जाएगी 14,700 8/1, आपकी पूरी फॉर्म की गुडविल आ जाएगी. आपकी गुडविल आ गई यहाँ पर 1,17,600. ये आपकी न्यू फॉर्म की कैपिटल हो गई.
अब हमने क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे एक एक करके तीनों पार्टनर्स की गुडविल, सॉरी गुडविल को नहीं कैपिटल को। तो ए की अगर हम कैपिटल निकालते हैं, टोटल कैपिटल कितनी है बिजनेस की 1176600। अब जो आपकी न्यू रेशो आई है वो आपकी आती है 6:5:3:2। न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी पहले हमें। तो आपकी न्यू रेशो आई 6:5:3:2। जो ए है उसका शेयर कितना है फॉर्म के अंदर, 6 by 6 by 11 3 14 2 16 6 by 16। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल होनी चाहिए 44,100। ठीक है, इसी तरह से बी की निकालेंगे, पूरी फॉर्म की कैपिटल है 1176600, इसकी है 5 by 16, इसकी कैपिटल कितनी आ गई 36,750। सी की निकालेंगे 1176600 का 3 by 16, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2050। अब हमने क्या किया, न्यू पार्टनर के बेसिस पे पूरी फॉर्म की कैपिटल निकाली और उसके अकॉर्डिंग ही हमने तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनका शेयर निकाल दिया। अब हम देखते हैं ए की कैपिटल कितनी है 44,100, सॉरी ये होनी चाहिए और ये ऑलरेडी है, उसने बिजनेस में लगा रखे हैं 47,760, लेकिन कैपिटल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए 44,100। मतलब इसने क्या कर रखा है, ज्यादा दे रखा है। पहले हम इसको क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना है 4,760, देन 4,150, देन 20,730 और 14,700। ये है, इसके लिए आप चाहो तो एक टेबल भी बना सकते हो। टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखेंगे और एक कैपिटल शुड बी, कैपिटल होनी कितनी चाहिए, दोनों चीजें लेंगे। ए का निकालते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 47,760 और उसकी होनी कितनी चाहिए 44,100। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल उसकी ज्यादा है, हम उसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर उसका कैपिटल कितनी आ जाएगी 3,660। जो ए का है वो आप क्या कर रहे हैं 3,660 को आप रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो लास्ट पॉइंट में हमको कैपिटल के बारे में बताया था कि एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस मे बी। अगर तो उनकी कैपिटल ज्यादा है तो हम उन्हें वापस दे देंगे और अगर उनकी कैपिटल कम है तो उन्हें पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए का क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है जितनी होनी चाहिए उससे उसके शेयर के अकॉर्डिंग, तो हम उसके क्या करेंगे 3,660 को वापिस दे देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी टू बैंक, क्योंकि हम पैसा वापिस दे रहे हैं तो उसकी 3,660 हमने वापिस कर दी। देन बी का देखते हैं यहाँ पर कि एग्जिस्टिंग कितनी है और होनी कितनी चाहिए। बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 40,150 और उसकी होनी कितनी चाहिए 36,750। इसकी भी क्या है, एक्स्ट्रा है, इसको भी हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। आपका अमाउंट कितना आएगा 3,400। बी को भी आप क्या करोगे, वापिस कर दोगे, कितने टू बैंक की एंट्री कर रखी है 3,400 रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से अब हम सी का देखते हैं, सी का क्या शेयर रहेगा। सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 20,730 और उसकी कैपिटल बिजनेस में चाहिए कितनी 2,050। मतलब इसकी कैपिटल बिजनेस में कम है उसके शेयर के अकॉर्डिंग, तो हम इससे जो इसका डिफरेंस है 1,320 वो उसे मंगवा लेंगे। हमारी एंट्री क्या होगी, बाय बैंक 1,320 ये लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो नया पार्टनर आया उसके बेस पर हमने न्यू कैपिटल कैलकुलेट की, उसके बाद तीनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर के अकॉर्डिंग हमने न्यू कैपिटल में उनका शेयर निकाला, देन उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल और कैपिटल जो उनका शेयर बनता है उन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जिसकी तो ज्यादा है एग्जिस्टिंग कैपिटल उसको हमने रिटर्न कर दी और जिसकी कम थी एग्जिस्टिंग कैपिटल उसको हम मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और यहाँ आपके टू बैलेंस सीडी निकल जाएंगे। अब जो टू बैलेंस सीडी आएंगे वो आपके ये वाले आएंगे 4,4,100, देन 36,750,
थर्ड का कितना है 22050 और 14700। आपका ये वाला जो है ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, ये वाली कैपिटल जाएंगी बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट में जब आप कैश का बैलेंस निकालेंगे तो हम देखते हैं आपका क्वेश्चन में कैश का बैलेंस कितना गिवन है। आपके पास कैश का बैलेंस है 1890, एग्जिस्टिंग कैपिटल है एग्जिस्टिंग कैश है 1890। उसके बाद न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया 14700, ऐड कर देंगे। प्रीमियम लेकर आया 14070, ऐड कर देंगे। देन न्यू सी लेकर आया था 1320, सी की कैपिटल 1320, ऐड कर देंगे। और हमने ए और बी की पेमेंट की है वो दोनों लेस हो जाएंगी, एस कैपिटल 36,3660 और बी की कैपिटल लेस हो जाएगी 3400। इस तरह से सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा कैश का बैलेंस आएगा जो आपकी नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। उसके अलावा तो बाकी सब वही है जो हम चेंजेस रिवेल्यूशन अकाउंट में कराए हैं, उन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, सारी एडजस्टमेंट करनी है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चंस में आपका एक और टाइप आता है वो हम देख लेते हैं, आप किस तरह से होता है। क्वेश्चन करते हैं हम 87। अब इसके अंदर जैसे आपको बोला था कि वो कैश में लेकर आएंगे, चेंज सिर्फ इतना ही आता है कि उसके अंदर वो कैश में नहीं लेकर आएंगे, आपने उनके करंट अकाउंट ओपन करने हैं। तो हम वो देख लेते हैं किस तरह से होगा। इलस्ट्रेशन 87 है, एक्स और वाई पार्टनर है, 5:3 में शेयर करते हैं, 5:3 में शेयर करते हैं। जेड को लिया है बिजनेस में 1/3 शेयर के लिए, जेड को लिया 1/3 के लिए। और जेड को कंट्रीब्यूट करने हैं 20,000 एसेट्स कैपिटल, 20,000 कैपिटल लेकर आएगा। द बैलेंस शीट आपको गिवन है एक्स एंड वाई की, जेड के एडमिशन पे गुडविल उन्होंने फर्म की बता रखी है 12,000, तो 12,000 पूरी फर्म की है। जेड तो सिर्फ अपना ही शेयर लेकर आएगा 1/3 शेयर, तो कितना लेकर आएगा 4,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया हमारा। देन लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड एट 35,000। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो न्यू वैल्यू आई है वो 35,000 आई है, पहले जो थी वो 25,000 थी। तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय लैंड 10,000, ठीक है। देन है प्लांट एंड मशीनरी 25,000 की हुई है, पहले 30,000 की थी, तो 5,000 डिक्रीज हो गई। तो टू प्लांट में डालेंगे 5,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन को, वॉज टू बी फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 400, एक्सेस है तो कम करना पड़ेगा, बाय प्रोविजन कर देंगे, बाय प्रोविजन 400। देन नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, क्रेडिटर्स में 1,000 इंक्लूड थे, अब वो आपको नहीं पे करने, तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो बाय क्रेडिटर्स 1,000 से। देन नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द फर्म, जो एक्स और वाई की कैपिटल है उसको जेड के शेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, एक्स और वाई में अगर उनकी कैपिटल एक्सेस है या फिर कम है वो कैश में नहीं लेकर आएंगे, आपने उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो हम देख लेते हैं। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो ये आपका कितना हो गया 11,400 और 5,000 गए तो आपका आ गया 6,400। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, आपका 6,400 का प्रॉफिट है। ओल्ड रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देते हैं टू प्रॉफिट एक्स एंड वाई 5:3 के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 4,2400। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स में आएंगे,
हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम उनकी कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, तो बाय बैलेंस बीडी कैपिटल गिवन है आपको क्वेश्चन में 50,000 एंड 35,000, ठीक है। देन जेड की कैपिटल आपको गिवन है वो हम ट्रांसफर कर देंगे बाय बैंक, कितनी लेकर आया है 20,000, वो ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व गिवन है वो ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व है आपका 16,000 का, कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे 5:3 के अंदर, तो आपका शेयर कितना आ जाएगा 10,000 एंड 6,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट 4,000 एंड 2,400, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट में और कुछ नहीं था डिवाइड करने वाला, हमने सारी एंट्रीज करी दी हैं, यही थी, तो हमने ये सारी ट्रांसफर कर दी। अब हम क्या, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल रह गया, 4,000 लेकर आया था वो, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वो ट्रांसफर करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल उन्होंने आपको बताया नहीं है क्योंकि वो गुडविल कैश में लेकर आया या नहीं लेकर आया, तो हमने उसके करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया है। आपको क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि 20,000 कैपिटल लेकर आया, लेकिन गुडविल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो हम उसके क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जेड करंट अकाउंट कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, सेक्रीफाइसिंग में 5:3 ही होगी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी, तो वो कितनी हो जाएगी, जेड 1/3 शेयर के लिए आया था 2,500 एंड 1,500। हमने गुडविल भी ट्रांसफर कर दी। इसके बाद सारी चीजें ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इनकी कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे। तो पहले तो अकाउंट क्लोज करते हैं और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी। तो इसको हम देखते हैं टोटल कितना आएगा, 66,500, 44,900 एंड 20,000। इसी तरह से यही आपकी बैलेंस सीडी आ जाएगी, 66,500, 44,900 एंड 20,000, ठीक है। यहाँ पर आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए, यही आपके क्या बन जाते हैं नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर करने के लिए, 66,500, 44,900 एंड 20,000। ये हमने कैपिटल्स ट्रांसफर कर दी, अब हमने करनी है इनकी कैपिटल्स को एडजस्ट। तो अब हम वो करेंगे, जेड आया 1/3 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर, 1/3 के लिए वो कैपिटल लाया है 20,000 रुपीज, ठीक है। तो पूरी फॉर्म की कैपिटल हमने निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी, 20,000 × 3/1, तो आपकी कितनी हो गई, 60,000 रुपीज। पूरी फॉर्म की हमारे पास कैपिटल कितनी आ गई, 60,000 रुपीज। अब हमने क्या करनी है, एक्स और वाई की कैपिटल निकालनी है। हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें आएगी 5:3:4, ये हमारी न्यू रेशियो है। हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे 60,000 का 5:12, 5,000, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25,000, और y की कितनी है, 60,000 का 3/12, तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 15,000। हमारी न्यू कैपिटल आ गई दोनों पार्टनर्स की। तो अब हम देखते हैं कि इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है और इन्हें होनी कितनी चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड कैपिटल होनी कितनी चाहिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल है x की 66,500 और इसकी होनी कितनी चाहिए, 25,000। तो एक्सेस में है वो हम क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे 41,500। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसके कैश में नहीं पे करना, अब उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सॉरी, एक्स है ये, एक्स के करंट अकाउंट में कितना जाएगा, 41,500। बी का, वाई का हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है,
Y की है 44,900 existing capital और इसका share होना कितना चाहिए 15,000, तो ये कितना हो जाएगा 29,900 आपको इसको वापस करना है, तो वो Y's current account में चला जाएगा, कितना वापस कर रहे हैं 29,900। तो ये हमने दोनों की क्या की एडजस्टमेंट कर दी, और हमने ये वाले कहाँ ट्रांसफर किए उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे टू बैलेंस CD निकाल देंगे, बैलेंस CD हमारे हमेशा यही आते हैं 25,000, 15,000 एंड जो आपका न्यू पार्टनर है वो कितना है 20,000। ये आपके तीनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल आ जाएगी जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, ठीक है। तो अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं इसी की, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में आपके क्रेडिटर्स थे 27,000, जिसमें से 1,000 के आपके लाइकली टू अराइज नहीं थे, तो वो क्रेडिटर्स अब आपके कितने के रह गए 26,000 के। उसके बाद कैपिटल्स हैं एक्स वाई जेड की, तो वो हमको पता है कितनी है 25,000, 15,000 और 20,000, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई आपकी, जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। इधर एसेट्स में देखते हैं तो लैंड है आपकी कितने की 35,000 की हो गई थी, उसके बाद प्लांट 25,000 का हो गया था, देन स्टॉक 15,000 का है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए थे। डेटर है आपका 20,000 के थे, जिसमें से 1,500 इन्होंने प्रोविजन लेस किया है, प्रोविजन के लिए इन्होंने हमें बोला था कि वो 400 एक्सेस में है, तो आपका प्रोविजन 1,100 का हो गया, ये आपके 18,900 के हो जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 ही है, कोई चेंजेस नहीं है। और लास्ट आपका आता है कैश, कैश के लिए हमारे पास ऑलरेडी कैश था 19,500, वो कैपिटल लेकर आया 20,000 रुपीज, जो गुडविल लेकर आया था वो उसके करंट अकाउंट में गई थी, वो कैश में नहीं लेकर आया था, तो आपका कैश का बैलेंस कितना हो गया 39,500। अब हमने मेन चीज जो इसमें देखनी है वो क्या है, जो जेड है उसने पैसे लेकर आने हैं, ठीक है, वो हमको हमारे उसने पैसे देने हैं, तो वो फर्म के लिए क्या हो गई एसेट्स हो गई, तो हम क्या करेंगे उसका करंट अकाउंट क्या करेंगे एसेट्स में डालेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा कैपिटल सॉरी गुडविल लेकर आएगा कितने की 4,000 की, ठीक है। और जो आपके एक्स एंड वाई है उसको हमने रिटर्न करने हैं, अभी नहीं रिटर्न किए फ्यूचर में रिटर्न करेंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी लायबिलिटीज हो जाएंगी, क्योंकि आपने इनको पे करना है एक्स करंट अकाउंट एंड वाईज करंट अकाउंट। एक्स में कितने एक्स के कितने देने हैं 41,500 और वाई के कितने देने हैं 29,900। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमने उसको पैसे देने हैं या उससे पैसे लेने हैं। अगर तो हमने उसके पैसे देने हैं वो हमारी लायबिलिटी है, अगर हमने उससे पैसे लेने हैं तो वो हमारी एसेट्स है। तो आपको इन करंट अकाउंट को भी बैलेंस शीट में दिखाना है, क्योंकि वो फ्यूचर में पैसे लेकर आएंगे, जिसने लेकर आना है और या जिसको हमने देना है हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे। तो कई बार आपको क्वेश्चन में अभी जैसे हमने किया कि फर्स्ट के अंदर आपका सारा बैंक से एडजस्टमेंट हुई, उसके बाद सेकंड में हमने सारी करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट की, कई बार वो कहते हैं कि जो वो लेकर आएंगे वो तो बैंक में लेकर आएंगे, अगर मतलब हम यहाँ मान लें कि एक्स लेकर आ रहा है तो वो तो लेकर आएगा कैश में या बैंक में, और जो हमने पेमेंट कर रही है वो हम फ्यूचर में करेंगे, तो यहाँ पर हम करंट अकाउंट में डाल देंगे जो हमने पेमेंट करनी है, और जो वो लेकर आएगा उसको बैंक में ही डालेंगे, और उसकी यहाँ पर भी एडजस्टमेंट हो जाएगी कैश के साथ। तो ये दो ही तरीके होते हैं जब आप एडजस्ट करते हो कैपिटल को ओल्ड पार्टनर्स की, उस टाइम पर दो ही तरीके हैं, या तो कैश में आप सारी एडजस्टमेंट करोगे मतलब लोगे दोगे सब कुछ, और या फिर करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं 81 to 89, इसके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।